आदिवासियों के बीच अपना जन्मदिन मनाते आपने कभी ऐसे नेता को नहीं देखा होगा जो हर साल अपना जन्मदिन खास मौकों पर खास लोगों के साथ आम लोगों के साथ मनाते दिखते हैं। ये खास लोग कौन है? ये खास लोग है जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय जो मशीनरी दुनिया से अलग थलग अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते हैं। आदिवासी समुदाय के साथ अपना जन्मदिन हर साल मनाने वाले उस नेता का नाम है प्रकाश सुर्वे, जो माघा थाने विधानसभा के शिवसेना के विधायक है। बीते दिन जन्मदिन से एक दिन पहले विधायक प्रकाश सुर्वे ने माघा थाने विधानसभा में रहने वाले वार्ड नंबर 25 के आदिवासी बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इतना ही नहीं, आदिवासी महिलाओं को जन्मदिन पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पैठनी साड़ी भी महिलाओं को दी। मेरा मतदाता संघ में ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं, उनको छोटी छोटी समस्या के लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है, उनको थोड़ा रिलीफ मिले इसके लिए हमारे महादेव हुए नगर सेवक आए और शाखा प्रमुख हमारे आत्माराम गांधी जी मोरेता ही, उन्होंने आज ये गरीबों के बीच में कार्यक्रम रखा, इसलिए मैं बड़ा खुश समझता हूँ। जो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ता है, लड़ता है, उनके उनको कुछ मिल रहा है और उनके चेहरे का हंसी देख के हमें बड़ी ये यहाँ रहने वाले आदिवासी लोग हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे सुविधा से वंचित है, तो उनके साथ में वाले दिवस मनाना मुझे खुशी की बात है। और अब बीते कई सालों से इस तरीके से अपना जन्मदिन मना रहे बच्चों के साथ और महिलाओं के जो साड़ी वितरण होता है उस तरीके से आप हर साल मनाते हैं, तो इस साल इस बर्थडे में क्या खास होगा? जो जो गरीब महिला है उनको कई जगह सिलाई मशीन वाटप कर सिलाई दे रही थी, तो उनको आत्मनिर्भर करने के लिए कई जगह प्रेशर कुकर का वाटप है, कई जगह साड़ियाँ का वाटप है, और हर जगह अलग अलग जिस टाइप के हम लोग उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने का काम कर रहे हैं, उनके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। माधुर मैम, आपके वार्ड में ये कार्यक्रम रखा गया और दादा के लिए आपने स्पेशली किया है, तो क्या कहना चाहिए? आज सबसे पहले मैं अपने आमदार प्रकाश दादा सुर्वे, गोर गरीब के आमदार माघा थाने के, उनको बहुत सारी जन्मदिन की बधाई देती हूँ और उनके जन्मदिन के तौर पर आज ये जो प्रोग्राम रखा है, और अच्छा लग रहा है कि ये जन्मदिन हम लोग ने आज आदिवासी महिलाओं के साथ में आके मनाया, छोटे बच्चे लोगों के साथ में मनाया, उनकी जो हंसी थी वही हंसी हम दोनों के लिए काफ़ी है, उनकी हंसी बहुत अच्छी थी, वो बच्चे लोग बहुत खुश थे, महिलाएं खुश थी। आज प्रकाश दादा सुर्वे ये दो बार माघा थाने विधानसभा आमदार से चुन के आए हैं और उनका काम ही उनको बहुत उनकी पोछ पाव दिया, आज उन्होंने काम किया इसके लिए वो दूसरे टर्म भी चुन के आए, और पूरे माघा थाने विधानसभा में एक ही माघा थाने विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि जो 7 के 7 नगर सेवक वो शिवसेना के हैं, ये सब दादा के तौर पे है, दादा के अंडर सब शिवसेना के नगर सेवक आते हैं। और आपने देखा होगा कि माघा थाने के वो वार्ड नंबर 3 से लेके वार्ड नंबर 26 तक इतनी सारी सुविधा हो चुकी है, दादा के माध्यम से हुई है, नगर सेवक के माध्यम से हुई है, और आने वाले समय में, आने वाले इलेक्शन के समय में वापस माघा थाने विधानसभा में दादा के अंडर ये सारे नगर सेवक चुन के आएंगे और वापस हमारे आमदार ये भी चुन के आएंगे।